हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनली आई येस हम सब के सामने सी सैट का पेपर है यू पी एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा है दुख है इस बात को लेके कि साल भर बहुत मेहनत करते हैं बहुत मेहनत करते हैं जीएस पेपर्स के लिए बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बहुत सारे मैगजीन्स पढ़ते हैं अपने स्टैटिक को कम्प्लीट करते हैं बट उतनी मेहनत सब के सब धरी रह जाती है अगर हमारा सी सैट क्लियर नहीं होता है तो सी सैट के लिए एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए या फिर हम किस तरीके से सी सैट की प्रिपरेशन करें जिससे कि एटलीस्ट पूरे साल भर की मेहनत केवल इस बात से ना रुक जाए कि हम सी साइट में 33 थ्री परसेंट क्वालिफाइंग मार्क्स था और वो भी बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है इस चीज़ के लिए क्या सोल्यूशन है और पेपर पिछले साल की तुलना में इस बार कितना डिफरेंस है उसके बारे में हम एक बार बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहे हैं जिनको सॉल्व करना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट था जिनको हमें छोड़ देना चाहिए था या फिर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि जो हम एक अनसर्टेनिटी के बारे में हमेशा बात करते हैं सी में तो वो इस बार के पेपर में कितना था और क्या ये पेपर सच में डिफ़िकल्ट था या फिर कैसे हम इसको कन्वे करें कैसे हम इसको टारगेट करें अपने नेक्स्ट ईयर के लिए इफ़ नॉट दिस ईयर इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर कुछ हम सबसे पहले ना प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो भी सी का लास्ट ईयर है टू में अगर हम उसको एक बार कंपेयर करके देखें तो कितना डिफरेंस है सबसे पहले हम इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं वंस दिस डिफरेंस इज़ डन इस डिफरेंस के बेसिस पर हम ये अलाइन कर सकते हैं कि भाई पेपर कितना अनसर्टेन रहा था क्या ऐसा है कि हम प्रडिक्ट नहीं कर सकते या फिर ऐसा है कि जिसको हम प्रडिक्ट तो कर सकते हैं बट हाँ उस टाइम पर भी कुछ स्मार्ट डिसीजन हमें एग्जामिनेशन हॉल में लेने पड़ेंगे मैं इस पेपर को ईजी नहीं बोल रहा हूँ तो इसी जो इस बात को और गुस्से में इस लेक्चर को देख रहे हैं कि आपके लिए सर एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर बैठ के देखना सब कुछ आसान है और एक बार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वो एक अलग है आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू ऑल क्योंकि वो प्रेशर ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है मैं बाहर एग्ज़ाम के नहीं फील कर रहा हूँ तो डेफ़िनेटली ये पेपर मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है उस कंपेरिजन में और प्लस मेरे पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ मैंने थोड़े बहुत चीज़ों पर रिसर्च किया है थोड़ा एक दो चार पोर्शन ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं तो उनके बेसिस पर मुझे पेपर क्लियर करने की जहाँ तक बात आएगी तो मैं क्लियर तो कर सकता हूँ बट अगेन अगर हम डिफरेंस क्रिएट करें कि 2022 और 2021 के पेपर में कितना ज़्यादा डिफरेंस रहा है सबसे पहले चलो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 2021 में टोटल 27 सेवन आए थे और 2022 में टोटल 27 सेवन क्वेश्चन हैं ठीक है, है? यहाँ पर हमें पता चला कि कोई भी एज मच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिफरेंस कहाँ पर है कि पिछले साल जो शॉर्ट पैसेज वाला एरिया था वो शॉर्ट पैसेज में टोटल क्वेश्चन जो आए थे वो हैं फोर्टीन क्वेश्चन और जो लॉन्ग पैसेज थे वो है थर्टीन क्वेश्चन तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शॉर्ट पैसेज में इस बार केवल और केवल सेवन क्वेश्चन हैं और लॉन्ग पैसेज में हम देखें तो ट्वेंटी क्वेश्चन हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कि भाई लॉन्ग पैसेज की संख्या हमारी बढ़ा दी गई है बट ऐसा है नहीं क्यों क्योंकि देखो एक बड़े पैसेज में अगर तीन क्वेश्चन दे दिया गया है तो कहीं ना कहीं हम उसको शॉर्ट पैसेज में कंसिडर कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्योंकि देखो अगर एक पेज का मान लो कि हम सात लाइन्स वाले पैसेज को हम लोग शॉर्ट पैसेज कंसिडर करते थे अभी उसने बीस लाइन का दे दिया है एक पैसेज और बीस लाइन में हमें तीन क्वेश्चन दे दिए हैं तो आखिरकार इस बीस लाइन को पढ़ने के बाद हम ये तीन क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये भी कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है इन शॉर्ट पैसेजेस के थ्रू तो मैं इस तीन पैसेज वाले क्वेश्चन को शॉर्ट पैसेज में ही काउंट करूंगा पिछली बार क्या हुआ था कि एक बहुत ही छोटा पैसेज था और उसमें दो क्वेश्चन आ गए थे तो ये अपने लिए एक रामबाड़ था हालांकि क्वेश्चन थोड़ा टफ था सिमिलरली इस बार भी सेम वही आया कि एक पैसेज में एक छोटे वाले पैसेज में दो क्वेश्चन हैं और अगर इनको इन नौ क्वेश्चन को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँ और यहाँ पर नाइन ऐड कर दूँ तो टोटल शॉर्ट पैसेज के क्वेश्चन कितने बन गए सिक्सटीन और यहाँ पर टोटल जो ट्वेंटी क्वेश्चन थे अब लॉन्ग पैसेज में अगर इन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली फोर्टीन नहीं नाइन चले गए ना तो इलेवन बन जाएंगे तो इलेवन क्वेश्चन हमारे लॉन्ग पैसेज के हैं और सिक्सटीन क्वेश्चन हमारे शॉर्ट पैसेज के हैं तो अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस या फिर अनसर्टेनिटी इस बेसिस पर अगर कोई बोलेगा तो मैं थोड़ा सा डिनाई करूंगा क्योंकि एग्ज़ाम में केवल इतना ही ध्यान देना था कि तीन पैसेजेस वाले जो क्वेश्चन हैं ये भी हमारे लिए तरीके से शॉर्ट पैसेज जैसे ही डिनोट कर सकते हैं अगेन वहाँ पर बहुत प्रेशर होता है आई डेफिनेटली कंसीडर दैट बट ये थोड़ा सा ट्रिक हमें एग्जामिनेशन हॉल में लगा लेना चाहिए था बट अगेन क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल को एक बार मेजर करेंगे तभी समझ में आएगा इसके अलावा जो हम मैथ्स वाले पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक होता है हमारा रीजनिंग वाला पार्ट और एक होता है हमारा एप्टीट्यूड वाला पार्ट इन दोनों में अगर हम दो साल के पेपर कंपैरिजन करें तो एक अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट्स होते हैं जैसे कि उन्होंने कोई भी पेपर दे दिया बोला कि भाई ये है लखनऊ अगर हम इन्हीं सीक्वेंसेस में उल्टा रखें मतलब कि ए को हम जेड कंसीडर करें बी को हम वाई कंसीडर करें तो हम इस तरीके से लखनऊ को क्या लिखेंगे तो ये है अल्फ़ाबेट्स के रीअरेंजमेंट पिछले बार भी तीन क्वेश्चन थे और इस बार भी तीन ही क्वेश्चन रहे हैं सिंपल मैथ्स की बात करते हैं सिंपल मैथ्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई देखो इस बार जैसे दो कुछ दो नए क्वेश्चन आए हैं एक आया है पिन कोड के ऊपर कि भाई हाँ ये अरेंजमेंट्स हैं पिन कोड के जैसे हम एक और क्वेश्चन है पासवर्ड से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चन को भी हम देखेंगे तो ये मैं सिंपल मैथ्स में वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है मतलब कुछ भी और नहीं है इसमें जैसे कि उसने एक क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स वीक्स x डेज x आवर्स x मिनट्स और x seconds में कितने सेकेंड होते हैं और ऑप्शन में इतना x, इतना x, इतना x और इतना x ये ऑप्शन है तो हमें क्या करना है हर चीज़ को seconds में कन्वर्ट कर देना है जैसे कि एक वीक में कितने सेकेंड होते हैं एक डे में कितने सेकेंड होते हैं एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं और उन सभी को अगर हम एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे या ऐड कर देंगे सिंपल तो भी हमारा आ जाएगा अब एक वीक में कितने सेकेंड्स होंगे कैसे देखें तो वीक्स को सबसे पहले हम किस में डिफाइन करेंगे डेज में डेज को किस में करेंगे आवर्स में ट्वेंटी फोर आवर होता है ना एक दिन में अब एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं सिक्सटी मिनट और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं सिक्सटी तो ये जो आंसर आएगा ना ये एक वीक का सेकेंड आएगा अब इसी तरीके से एक्स डेज में कितने होंगे तो अगेन ये वाला ठीक है इस तरीके से हमें फाइंड करना था तो सिंपल मियर मल्टीप्लीकेशन है थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है आई एग्री बट मल्टीप्लीकेशन है केवल तो ये है हमारा सिंपल मैथ्स और पिछले साल क्वेश्चन आए थे ट्वेंटी वन सॉरी ट्वेंटी वन में आए थे सिक्स क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में इस बार क्वेश्चन आए हैं दो हालांकि पिछले साल उतने क्वेश्चन नहीं देखे गए थे नेक्स्ट पार्ट हमारा सिलोजिज्म का है जैसे कि ऑल पेंस आर कैट तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया होगा कि बताओ भाई कौन से करेक्ट हैं तो पिछले बार भी तीन थे इस बार भी तीन है तो ये कोई टेंशन नहीं है सेम ही है सिटिंग अरेंजमेंट में इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए और सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी टाइप्स के आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट एक तो नॉर्मल क्वेश्चन हैं ही हमारे पास मान लो वो नॉर्मल तीन क्वेश्चन है जिनको हम लोग यूजअल डेज में देखते हैं इसके अलावा नोट्स का अरेंजमेंट आ गया है और भी ऐसे कुछ नए नए क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे टोटल ऐसे सेवन क्वेश्चन हैं पिछले बार तीन ही क्वेश्चन थे तो सिटिंग अरेंजमेंट का एक पोर्शन ऐसा है जिसको आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं फिर एक आता है सीक्वेंस सीक्वेंस में एक सीरीज और सीक्वेंस में आप जानते ही हो या तो टेबल दे के ये वाली वैल्यू पूछ लेगा या फिर एक सीरीज़ दे रहा है या फिर एक ये वाला क्वेश्चन आता है ए बी बी सी ए डैश सी ए बी बी ये वाला जानते ही हो आप तो ये हर ही साल आता है पिछले साल पाँच क्वेश्चन आए थे इसके इस बार दो ही क्वेश्चन हैं सीक्वेंस यूजली लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उतना दिमाग एकदम से स्ट्राइक नहीं करता है सीरीज़ के क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं फिर एक क्वेश्चन है डायग्राम बेसिस पर डायग्राम बेसिस पर मतलब ये है कि एक सर्कल हो गया है उसमें हमने आठ पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको अब उसमें बताना है कि राइट right एंगल कितने बन रहे हैं ठीक है कितने डिफरेंट हैं तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो हैं और फिर आता है डायरेक्शनल क्वेश्चन कि आप इतने किलोमीटर इस डायरेक्शन में चले फिर राइट मुड़ गए फिर इतने किलोमीटर चले फिर अपने लेफ़्ट मुड़ गए तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे पिछले बार भी दो थे और इस बार भी दो ही हैं तो ओवरऑल अगर मैं पेपर को कंपेयर करके देखूँ ना तो दो और दो के रीजनिंग पार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं मिला है जो पिछली बार था वो इस बार भी है लगभग लगभग सेम क्वेश्चन हैं अब इसी तरीके से अगर मैं सब्जेक्ट बेसिस पर अगर हम मैथ्स की बात करते हैं जिसमें हम एप्टीट्यूड सेक्शन को देख रहे हैं इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें पिछले साल बहुत क्वेश्चन थे चार क्वेश्चन थे इस बार दो ही क्वेश्चन है रेशियो पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर पिछले साल दो क्वेश्चन थे इस बार तीन क्वेश्चन हैं नंबर सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन आज वाला सेक्शन है पिछले बार भी बहुत ज़्यादा थे और इस बार इवन उससे भी ज़्यादा है ग्यारह क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं नंबर सिस्टम पर परसेंटेज की बात करें तो चार क्वेश्चन पिछली बार थे तीन क्वेश्चन इस बार हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम पे पिछली बार एक थे इस बार दो हैं क्लॉक्स एंड कैलेंडर कैलेंडर पर पिछले साल बहुत क्वेश्चन आ गए थे इस बार एक ही आया है और क्लॉक पर एक एक क्वेश्चन जो हर साल आता है वो है वर्क एंड टाइम पर एक एक क्वेश्चन आया है दोनों सालों में एवरेज पिछले साल नहीं था इस बार एक क्वेश्चन है टेबल जिसमें हम लोग एक प्रॉपर टेबल ड्रॉ करते हैं ना और वो प्रॉपर हमें पूछता है ये डेटा देता है या फिर हम वो वाले क्वेश्चन देख सकते हैं कि पाँच ब्लू कलर के बुक्स हैं कवर पेज के साथ छः रेड कलर के बुक्स कवर पेज के साथ है तो वो फिर सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं वो भी तो मैं उसको मैथ्स वाले में कंसीडर कर रहा हूँ हालांकि इसको हमें रीजनिंग पार्ट में ही कंसीडर करना चाहिए था बट स्टिल ठीक है पिछले बार ऐसे तीन क्वेश्चन थे इस बार एक ही क्वेश्चन है एज पिछले बार एक क्वेश्चन इस बार एक क्वेश्चन इंटरेस्ट इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया पिछली बार एक सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था एक एवरेज सॉरी एक मीन से क्वेश्चन था पिछली बार इस बार नहीं आया है पिछली बार एल सी से एक क्वेश्चन था इस बार वो भी नहीं आया है तो ओवरऑल जो हमारा डिफिकल्टी लेवल है नंबर सिस्टम यूजुअली लोगों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसको हम लोग बहुत बार पढ़ते नहीं हैं और कुछ क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आते हैं जिसमें ना हमें करंट तुरंत ही मुद्दा लग, अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं नंबर सिस्टम में हम कैसे क्वेश्चन देख रहे हैं उन सभी को एक बार हम पेपर एनालाइज करके एक बार फटाफट से देख लेते हैं सबसे पहला इस बार का जो पैसेज मैं आपको बता रहा हूँ तो पहला पैसेज को मैंने शॉर्ट कंसिडर किया है और दूसरे पैसेज को मैंने लॉन्ग कंसिडर किया है तो आप देख सकते हो डिफरेंस दोनों में ठीक है इसके बाद जो नॉर्मल अब हम आ, सबसे पहले किसको डिफाइन करें सबसे पहले हम शॉर्ट पैसेज़ को देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन शॉर्ट पैसेज मैंने डिफाइन किया है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप सीधे फोर्टीन क्वेश्चन ऊपर चला गया यहाँ पर देखो ये शॉर्ट पैसेज है इसके बाद एक क्वेश्चन आया है आप सीधे फोर्टी वन फोर्टी वन में आप देखोगे ये भी शॉर्ट पैसेज है तो इस तरीके से आप शॉर्ट पैसेज देख लेना कोई दिक्कत नहीं इस तरीके से मैंने लॉन्ग पैसेज भी डिफाइन किए हैं इस बार कुछ बहुत बड़े पैसेजेस जो हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जिनसे तीन तीन क्वेश्चन भी बने हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप इलेवन देख सकते हो ये वाला पैसेज नेचर नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसपेट फ्यूचर इन्वायमेंट्स ऑन द अर्थ ये पूरा एक पेज ही भर दिया और सेकेंड लाइन में भी किया तो इसको इधर शिफ्ट कर दो आप तो लगभग उतना ही बन रहा है और उसके बेसिस पर तीन क्वेश्चन हैं हमारे ठीक है तो ये लॉन्ग पैसेज में डिफाइन हुआ अब अगर रीजनिंग की बात करते हैं या फिर चलो सबसे पहले हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो पाँचवें नंबर का है सिंपल रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन में एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है जो कि है क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेवेंटी पर आएगा ये रहा ये क्वेश्चन भी रेशियो एंड प्रपोर्शन में आप कंसिडर कर सकते हो फिर कॉम्बिनेशन में तीन क्वेश्चन हैं और एक दो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो इन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको डेफिनेटली दूंगा। उसके लिए भी टाइम लगेगा एक दिन दो दिन का जो भी होगा ये सा, सारे सॉल्व आपको मिल जाएंगे ये रहा क्वेश्चन वन टू नाइन अरेंज करना है आपको रोज़ में डिफरेंट डिफरेंट इसके बाद नंबर सिस्टम की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है तो देखो पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का कैसा है ये वाला आइडेंटिटी कार्ड एक से लौ तक नंबर है नंबर डिविजिबल बाई नाइन है फर्स्ट डिजिट ये हो सकता है डिविजिबल बाई सिक्स है तो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन हैं इसमें ठीक है इसके बाद आप देख लो ट्वेंटी नाइन वाला नंबर को एक बार ये क्वेश्चन विच नंबर अमंगस्ट इज़ द स्मॉलेस्ट फिर इसके बाद आप आ जाओ सीधे फोर्टीज़ में फोर्टीज़ में क्वेश्चन थे काफ़ी X इज़ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर तो ये थ्री डिजिट डिजिट टू डिजिट इसको इंटरचेंज करना फोर डिजिट ये सब पिछले दो तीन सालों से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इस बार भी पूछे ही गए हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट देखो आप ये रिमाइंडर क्या होगा इसमें जब डिवाइड करेंगे इन सबको तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी ट्वेंटी वन में सॉल्व कर चुके हैं इसके बाद 48 क्वेश्चन देख लो सॉरी 48 देख लिया हमने 54 क्वेश्चन देख लो फिफ्टी फोर में ये रहा ये क्वेश्चन question, ऐसे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे पावर के बेसिस पर एम और एन की वैल्यू निकाली थी थोड़ा सा डिफरेंस है बट अप्रोक्सीमेटली सेम है फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा लगभग लगभग इसी पेज में एक और ये बगल में ही तो है सम ऑफ थ्री कॉन्जिकटिव इंटीजर्स ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं 75 क्वेश्चन देखना एक बार ये स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन थाउजेंड ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं ऑलरेडी फिर उसके बाद सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन भी देख लो पी टू डिजिट का नंबर है पी इन टू क्यू इतना है तो पी और क्यू का डिफरेंस कितना होगा ये ऐसे क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं सेवेंटी सेवन देख लो ऑड नंबर प्राइम नंबर तो ओवरऑल मोटा मोटा मेरा कहना क्या है मेरा कहना ये है कि पेपर अनसर्टेन मैं नहीं बोलूँगा आप अगर डिफ़िकल्ट बोलोगे तो मैं एग्री करूँगा उस चीज़ से लेंदी बोलोगे तो मैं एग्री करूँगा उस चीज़ से लेकिन पेपर अनसर्टेन नहीं है तो इसीलिए ओवरऑल आप जब भी इस पूरे पेपर को एक बार अच्छे से देख लेना वैसे तो मैं क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ आप लोग भी बोलोगे सॉल्व कर नहीं रहे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को दिखाने का क्वेश्चन इस बार की कुछ डिफिकल्ट हैं आई एग्री विद द सेम बट अगेन इससे अगर मुझे 27 क्वेश्चन छांट के निकालने पड़े सही करने वाले तो आई कैन ईजली डू तो इसीलिए आप इस चीज़ पे पहली बात तो निराश मत हो कि सी सैट अनडूएबल है क्योंकि अगर अनडूएबल होता तो फिर तो लोग सिलेक्शन ही नहीं ले पाते ना मेंस लिखते तो जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ऐसा भी नहीं है कि सब सब मैथमेटिकल बैकग्राउंड्स के हैं और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे आई हैं जिनका सी नहीं क्लियर हो रहा है तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि आपका बैकग्राउंड क्या है इट्स ऑल अपॉन योर प्रैक्टिस कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर से मैं वही बोलूँगा कि क्वेश्चन अनसर्टेन नहीं है इस बात की खुशी आपको होनी चाहिए कि क्वेश्चंस ना लिमिटेड सेक्शन्स हैं आप सोचो कितने चैप्टर हैं ये तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह चैप्टर हैं चलो इस बार के तीन चार पाँच चैप्टर नहीं काउंट किए होंगे तो ट्वेंटी ट्वेंटी चैप्टर्स एप्टीट्यूड वाले हैं रीजनिंग से आओगे तो हर साल लगभग लगभग इन्हीं टॉपिक्स पर क्वेश्चन आ रहा है मैं कह रहा हूँ चलो तीन चार टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा आएगा छोड़ देना उसको भी फिर भी ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो अगेन शॉर्ट पैसेज और लॉन्ग पैसेज की प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है सत्ताईस क्वेश्चन करना इतना मुश्किल नहीं है हमारे जो सी साइड प्रोग्राम्स अभी तक चल रहे थे उसमें से जो फैकल्टी मेम्बर यहाँ पर पढ़ा रहे थे फिलहाल उन्होंने तो बहुत सारा क्लेम किया है कि मोर देन फोर्टी क्वेश्चन हम आराम से उस छोटे सेक्शन से सी सैट के जो कि बहुत लंबा आर्स ऑफ नहीं है मुश्किल से 40 50 आर्स का वो सेशन है तो उसको देखने से भी अगर आपके आराम से 40 45 क्वेश्चंस लग रहे हैं तो आई थिंक सी सैट इज़ डूएबल सिंपल है आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी जिनके लिए वो वीक है और स्मार्टली अपने आप को अरेंज करना है तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था आशा करता हूँ कि आप सी सैट को थोड़ा सीरियसली लेते हुए निराश नहीं होंगे बल्कि उसमें मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो बस इसको यहीं पर खत्म करते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे